रायपुर में आज से बैठक की शुरुआत होगी। G20 की इस बैठक में कई बड़े विषयों पर मंथन होगा। विदेशी डेलीगेट्स इस मसले पर बातचीत करेंगे। दुनिया भर के प्रतिनिधि यहां शामिल होने रायपुर आए हैं। छत्तीसगढ़ी थीम और संस्कृति से नवा रायपुर सजा हुआ है। बता दें, जंगल सफारी और मिलेट कुकीज का तोहफा इसके साथ साथ जंगल का शहद है वो भी यहाँ परोसा जाएगा और रायपुर में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपरा की झलक यहां देखने को मिलेगी। कल से ही विदेशी डेलीगेट्स का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की इस बड़ी बैठक के लिए और कई बड़े विषयों पर विदेशी नेता डेलीगेट्स इस पर मंथन करेंगे। आज G20 की बड़ी बैठक है तो बैठक में दुनिया भर के प्रतिनिधि यहां शामिल होंगे। बता दें कि पूरे शहर को सजाया गया है। आज से छत्तीसगढ़ में G20 की समिट है, बैठक है और इस बैठक में तमाम देशों के प्रतिनिधि यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप में ये बैठक बहुत खास है छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से भी। और एक निजी होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और अब चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी नितिन नामदेव से। नितिन, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही बैठक को लेकर? क्या कुछ समय रखा गया है, कितने घंटे आज ये बैठक चलने वाली है, कौन कौन शामिल होगा? देखिए, G20 के चौथे फ्रेमवर्क की वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो अब से कुछ देर बाद जो है शुरू होने वाली है और कल से ही जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनका लगातार आना शुरू हो चुका है। 21 देशों के अलग अलग कुल 65 लगभग जो डेलीगेट्स हैं वो राजधानी रायपुर कल से पहुंच चुके हैं और यही जो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये मेयरफेयर रिसोर्ट की हैं जहाँ ये तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये जो आप सीधी तस्वीरें देखें ये इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वायरलेस कैमरे भी लगे हैं और जो है कॉर्डलेस आईडी भी लगी हुई हैं जिसमें साफ तौर पर पुलिस जो है अंदर सूचना देते हैं। पुलिस भी बड़ी जो तैनात है और जो भी व्यक्ति अंदर जाता है बड़ी जाँच पड़ताल के बाद ही उसको जो है अंदर भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि बैठक की अध्यक्षता केंद्र सरकार के वित्त विभाग के सलाहकार चांदनी रैना और यूके के मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बैकेंड करते नजर आएंगे। इसके साथ ही फोर्थ फ्रेम वर्किंग ग्रुप की बैठक यह होगी जिसमें साफ तौर पर 65 से अधिक जो प्रतिनिधि है वो इस बैठक में रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि RBI जन भागीदारी कार्यक्रमों की मेजबानी करते नजर आएंगे। बैठक में डिजिटल ब्रेकिंग के जो वित्तीय समावेश वित्तीय साक्षात्कार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और जागरूकता कार्यक्रम पेंटिंग प्रतियोगिता और नारा लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन इस बैठक में किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी रोचक ये दृश्य होने वाला है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि नया रायपुर का जो जंगल सफारी है मुक्तांगन है ऐसे जहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जो झलक छलकती हो उन तमाम जगहों पर जो है उनको ले जाया जाएगा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से अवगत कराते यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो विदेशी डेलीगेट्स को